गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस आज मैं आप लोग के लिए अगेन सो सारी हॉल लेकर के आई हूँ। आज का जो भी कलेक्शन आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है, छोटा मोटा सा हॉल वीडियो होने वाला है। अच्छी बात गाइस की डेली यूज की साड़ियाँ आप डेली यूज में भी पहन सकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं या फिर टीचर वगैरह हैं तो आपके लिए ये हॉल आज का परफेक्ट होने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सभी का प्रोडक्ट का कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो मैं रीसेलिंग भी करती हूँ, तो रीसेलिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा गाइस। तो अगर आपको मेरे से परचेस करना है तो और भी कम प्राइस में आपको ये साड़ियां मेरे से मिल जाएगी। और अगर मेरे से परचेस करना है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम में जाकर के मुझे मैसेज करना है। इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां। चलिए गाइस ये हो गई बहुत सारी बातें, अब कर लेते वीडियो का स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बहुत सारा सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस जो फर्स्ट साड़ी है वो ये है, कैटलॉग में आपको साइट पे लगा दूंगी स्क्रीन पे तो चेक कर लीजिएगा, और प्राइस भी मैं आपको साइट पे लगा दूंगी कि मीशो पे ये क्या प्राइस की थी। तो ये कुछ इस टाइप से है साड़ी गाइस, कॉटन ब्लेंड है इसका फैब्रिक, बहुत ही अच्छा सा है फैब्रिक, एकदम सॉफ्ट सा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको आंचल वाला पार्ट दिखा देती हूँ। तो आंचल में ना आपको इस टाइप से टेसल मिल जाएंगे जो की साड़ी का ही इसमें लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से पतले पतले से टेसल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको ना थ्रेड वाला इस टाइप से येलो टेसल लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से है। तो साड़ी की लेंथ वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस, मैं इसे पहले ही चेकआउट कर ली हूँ। तो यहाँ पे ना आपको आंचल में नेवी ब्लू कलर मिल जाएगा, शेडेड वाली साड़ी है। फिर यहाँ से ना आपको थोड़ा सा मेहंदी कलर यहाँ से मिल जाएगा। तो अच्छा है फैब्रिक, लाइट वेट है, कॉटन का फैब्रिक है, प्योर कॉटन नहीं है, कॉटन ब्लेंड है। तो जितना ही आप इसे वॉश करोगे उतना ही ये और भी सॉफ्ट होगा, उतना ही और भी ये कम्फर्टेबल हो जाएगा। तो साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस, आप इसे ना कि अगर आप टीचर वगैरह है या फिर आप कहीं जॉब वगैरह में जाते हैं तो वहां पे पहन के जाने के लिए परफेक्ट है ये साड़ी। लाइट वेट है, डेली वेयर के लिए भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, और जितना आप इसे वॉश करोगे ना गाइस उतना ही ये और भी ज्यादा कंफर्टेबल होते जाएगी। तो ये है इसका ब्लाउज वाला फैब्रिक, तो ब्लाउज आपको नेवी ब्लू कलर में मिल जाएगा। तो साड़ी ना सेम एज इट इज वैसी ही आई है जैसा कैटलॉग में दिख रहा था। तो और अब जो सेकेंड साड़ी है गाइस वो ये है, ये भी कॉटन फैब्रिक में आपको मिल जाएगा। और सभी साड़ी का प्राइस वगैरह बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है गाइस, तो आप इसे अगर पसंद आता है ना तो आप इसे तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है। एकदम ज्यादा कॉटन भी नहीं है कि आप एक बार वॉश कर दिए तो फिर एकदम ज्यादा सिकुड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, प्रेस करके ही आप इसे पहन सकते हैं, हल्का फुल्का प्रेस करके आप इसे पहन सकते हैं। तो सेकेंड जो साड़ी है गाइस वो इस टाइप से है, इसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कलर है, एकदम खिल के आता है ये बॉडी पे। तो कुछ इस टाइप से स्काई ब्लू है इसका कलर। मैं ना आपको इसके ब्लाउज का फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज का फैब्रिक आपको ऐसा व्हाइट कलर में इसका फैब्रिक मिल जाएगा, कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन सिल्क। और यहाँ पे आपको ना आर्टिफिशियल स्टेप से मिरर लगे हुए हैं जो कि स्टिच है, मतलब एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसमें, साइड साइड में थ्रेड के एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। तो 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, तो स्मॉल से मीडियम साइज वालों के लिए आराम से इसमें ब्लाउज बन जाएगा। लेकिन आपको इसमें अस्तर लगा करके आपको इसका ब्लाउज बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास में कोई भी व्हाइट कलर का ब्लाउज है तो आप उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं कि व्हाइट के साथ ही आपको इसको पहनना है, किसी भी और भी कॉन्ट्रास्ट लुक आप इसमें दे सकते हैं। मतलब इसको अगर आप ब्लैक कलर के भी ब्लाउज के साथ भी पहनेंगे तब भी ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कंफर्टेबल सी साड़ी है, चौड़ाई भी अच्छी है, तो ऐसा सुकुड़ने वाला कुछ ऐसा वो नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि ना इसकी चौड़ाई अच्छी है। बाकी ट्रायल में आप लोग को दिखा दूंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, फुल डे कैरी कर सकते हैं। कहीं स्कूल में टीचर वगैरह है आप, या फिर कहीं जॉब वगैरह अगर आप करते हैं तो वहां भी पहन के जाने के लिए परफेक्ट है ये साड़ी। तभी जैसे कि अभी समर भी स्टार्ट होने वाला है तो आप डेली यूज में भी इस टाइप की साड़ी पहन सकते हैं, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो जितना आप इसे वॉश करेंगे ना उतना ही इसका फैब्रिक और भी ज्यादा सॉफ्ट होते जाएगा, और ये जो कपड़ा है ना गाइस ये थोड़ा और भरता है वॉश होने के बाद में। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एकदम सी थ्रू रहेगा, ऐसा नहीं है, जितना आप वॉश करोगे ना उतना ही ज्यादा ये और भी ज्यादा अच्छा होते जाएगा। तो इसका भी रीसेलिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरे से आपको ऑर्डर करना होगा ना गाइस तो आपको तुरंत ही आपको मेरे से ये कॉन्टेक्ट करना होगा, अगर आपको मेरे से परचेस करना है तो मीशो से भी कम प्राइस में आपको ये मेरे से मिल जाएगा।
और अब जो नेक्स्ट साड़ी है ना गाइज, वो ये है। इसका भी कैटलॉग मैं आपको साइड में लगा दूंगी। तो अभी जो भी मैं साड़ी आप लोग साथ में शेयर करी पूरी कॉटन की थी, ये भी कॉटन ही फैब्रिक है। इसका भी मैं सोची थी एक कॉटन की साड़ी का ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए ही मैंने पूरे कॉटन की साड़ी को ऑर्डर किया था। बट कुछ पहले आ गया उसके बाद नहीं आया, और अभी भी दो तीन साड़ी मेरी कॉटन की जो मैंने ऑर्डर की थी वो भी मुझे नहीं रिसीव हुई है। तो मैं बोली कि ठीक है, जितना मुझे रिसीव हुआ पहले मैं आप लोग के साथ में वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि क्वालिटी वगैरह मुझे भी देखना था। मैं देख करके आप लोग को इसका रिव्यू दे रही हूँ, तो बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ गाइस। तो आप इसे बिंदास ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। मेरे को जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी साड़ी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग सभी की क्वालिटी वगैरह बेस्ट है। तो नेक्स्ट साड़ी है गाइस वो ये है, येलो कलर में साड़ी है। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा हल्दी कलर है। अगर आप इसे किसी भी हल्दी फंक्शन में भी पहन के जा सकते हैं, अगर आपके घर में कोई शादी वगैरह है तो आप उसमें भी ये पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। इसका प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, मीशो पे इसका क्या प्राइस है आप देख लीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में आपको इतनी सुंदर सी साड़ी मिल रही है, क्योंकि ना हल्दी फंक्शन में ना कॉटन की साड़ी ना ज्यादा अच्छी लगती है पहनने में, अच्छा लुक आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज जो है आपको ऐसे रानी पिंक कलर में मिल जाएगा। ब्लाउज अच्छा है, कॉटन सिल्क इसका फैब्रिक है। और बाही के लिए ना आपको इस टाइप से एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क मिल जाएगा, गोल्डन जरी की एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क है। कुछ इस टाइप से दोनों हैंड के लिए दिया हुआ है, और इस टाइप से ना गोल्डन वीविंग वर्क भी मिल जाएगा आपको, जो कि आपके ऐसे बाजू में आएगा, तो पूरा ऐसा प्लेन मिलेगा। तो आपको इसमें ना अस्तर लगा करके आपको इसका ब्लाउज बनाना होगा। तो अगर आपका साइज मीडियम से एल साइज भी है तो भी आराम से इसमें आपका ब्लाउज जो है बन जाएगा। तो अच्छा है, थोड़ा सा डिजाइनर लुक आ जाएगा जब आप इसका ब्लाउज बनाओगे। तो जब ये आपके हैंड पे आएगा ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आएगा। तो क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है ब्लाउज की। अभी साड़ियां ना गाइस, जैसे कि अभी सरस्वती पूजा भी आने वाला है तो आप उसमें भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये जो साड़ी है कुछ इस टाइप से है, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी है। कॉटन ब्लेंड है, इसका भी फैब्रिक लाइट वेट है। तो ये भी साड़ी ना पूरी आपको एक जैसी मिल जाएगी गाइस। यहाँ पे आपको ना ऊपर में गोल्डन टच आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा, और ऐसा रेड कलर में आपको ऐसा प्रिंट मिल जाएगा। और पूरी साड़ी में ना एक हल्का सा शाइन भी है, एकदम ज्यादा सिंपल नहीं है, एकदम हल्का सा शाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसका कलर बहुत प्यारा है, हल्दी फंक्शन के लिए परफेक्ट है, या फिर आप सरस्वती पूजा में भी पहन सकते हैं, किसी भी पूजा में आप पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लाइट वेट सी लगेगी ये साड़ी। तो गाइज इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ एकदम बेस्ट है। इस वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को आज का हॉल वीडियो कैसा लगा। ये जो नेक्स्ट साड़ी है गाइस वो ये है, ये थोड़ी सी हैवी सी साड़ी है। तो इसमें का सबसे पहले ब्लाउज आपको दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज आपको फुली स्टिच मिलेगा, तो ये कुछ इस टाइप से इसका आपको ब्लाउज मिल जाएगा। थोड़ा सा पीच टाइप का कलर है इसका, या गाजरी टाइप का कलर भी बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप से कलर है। और पैडेड वाला आपको ब्लाउज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस टाइप से पैडेड लगा हुआ है, सॉफ्ट पैडेड लगा है, अच्छा है। और ना आपको साइड में ना आपको यहाँ पे जिप वाला सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पे ऐसा जिप लगा हुआ है। अब पूरा ऐसा आपको पाइपिंग वाला पाइपिंग लगा हुआ है पूरा। अब पूरा जो ब्लाउज है ना गाइज, इसमें वर्क मिल जाएगा इस टाइप से, रोज का डिटेलिंग है ये पूरा, रोज और सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा, प्लस आपको जरी का वर्क मिल जाएगा कुछ इस टाइप से, ये ऐसा है। तो अगर आप अगर मीडियम से एल साइज के होंगे ना गाइज, तो ये आराम से आपको आ जाएगा ब्लाउज। लेकिन अगर एल साइज से ज्यादा होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फिट ना भी हो। तो आंचल में ना आपको चारों साइड में कुछ इस टाइप से बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ भी आपको रोज और बड़े वाले गोल्डन सीक्वेंस वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा, जरी का वर्क है पूरा ऐसा। तो चारों साइड में आपको मिल जाएगा। बाकी साड़ी का जो फैब्रिक है आपको सॉफ्ट सिल्क का फैब्रिक मिल जाएगा। तो पूरी साड़ी कुछ इस टाइप से है गाइस, चारों साइड आपको इस टाइप से बॉर्डर मिल जाएगा। फिर ऊपर का जो पार्ट टगिंग वगैरह करते हैं वो आपको ऐसा प्लेन मिलेगा, नीचे साइड में आपको जहां फॉल वगैरह लगाते हैं वहां पे आपको
लेस लगा हुआ मिल जाएगा। और साड़ी का फैब्रिक जो है सॉफ्ट सिल्क का फैब्रिक है। यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा, जो पार्ट हम टगिंग करते हैं। तो ये भी साड़ी गाइस ठीक है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी की क्वालिटी वगैरह मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब फिनिशिंग वगैरह नहीं है साड़ी में है। और ब्लाउज का भी जो फैब्रिक है ना गाइस, जो इसमें यूज किया गया है, ये ऊपर का ये जो फैब्रिक है ये भी उतना खास नहीं है इसका फैब्रिक। और इसमें जो लाइनिंग का कपड़ा भी लगाया है ना, वो भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और ये सब जो रोज वाला जो वर्क है ना गाइज, पता नहीं क्यों ये ना सामने से देख के ना उतना ज्यादा ना मतलब अच्छा नहीं। तो नेक्स्ट साड़ी है गाइज वो ये है, ये आज के कलेक्शन की मेरी मतलब फेवरेट साड़ी है। बट इसमें भी थोड़ा सा मैं पहले साड़ी आपको दिखा देती हूँ। तो साड़ी कुछ इस तरह से है, कैटलॉग में साइड में लगा दूंगी। ये अभी न्यू अराइवल है। तो गाइस साड़ी कुछ इस टाइप से है, ये देखिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत वाला पार्ट है वो है इसका ब्लाउज का फैब्रिक। तो गाइस इस टाइप से आपको पूरा ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, जो कि चिकनकारी वर्क वाला होता है ना, लखनवी वर्क बोलते हैं वो। और इसमें ना सिल्वर कलर का ना सिक्वेंस भी लगा हुआ है बीच बीच में, जो हल्का हल्का सा शाइन भी कर रहा है लाइट वगैरह पड़ने से। बाकी ब्लाउज का ये जो क्वालिटी है ना गाइस, इतना ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम मक्खन की तरह है, एकदम अच्छा, बहुत ही अच्छा फैब्रिक दिया गया है ब्लाउज के लिए। तो इस टाइप का ना जल्दी मिलता नहीं है, इतना अच्छा इसका है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बॉर्डर के लिए, हैंड के लिए कितना सुंदर डिटेलिंग दिया गया है, कितना खूबसूरत सा आपको यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा एकदम। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा जैसे ही मुझे रिसीव हुआ ना, तो इसका ब्लाउज तो मैं देख करके एकदम खुश हो गई, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। तो कुछ इस टाइप से है, 80 सेंटीमीटर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा। इसमें लाइनिंग वगैरह लगा करके आप इसका ब्लाउज बना सकते हैं। हाँ, इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट इसमें यूज किया गया है। और साड़ी जो है गाइस कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ना आपको एक मिनट मैं आंचल से आपको दिखा देती हूँ। तो पहले तो आंचल में ना आपको इस टाइप से टैसल लगे हुए हैं, व्हाइट, फिर ऐसा नेवी ब्लू, फिर व्हाइट, इस टाइप से ना आपको टैसल पूरे लगे हुए हैं आंचल में। और साड़ी जो है ना आपको सिफोन लिखा हुआ है इसमें, सिफोन की साड़ी। पर सिफोन की साड़ी एकदम ज्यादा सॉफ्ट होती है, साड़ी तो सॉफ्ट है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना सब खुरदुरा वाला इसका पैटर्न है एकदम। इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है। इसमें जो ये प्रिंट किया है ना, यही थोड़ा सा खुरदुरा वाला है आई थिंक। हाँ, ये जो प्रिंट है ना वही, तो इतना इजीली नहीं निकलेगा गाइस, क्योंकि ना मैं इस टाइप का ना साड़ी और भी मतलब है, मैं यूज कर चुकी हूँ, निकलता नहीं है इसका प्रिंट वगैरह, जाता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि आप दो तीन बार पहन लिए तो इसका प्रिंट वगैरह चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो अच्छा है, प्रिंट वगैरह भी सब कुछ अच्छा है, और लेंथ वगैरह भी साड़ी की अच्छी है, और 5.5 का लेंथ आपको मिल जाएगा, चौड़ाई भी अच्छी है। तो पूरी साड़ी आपको कुछ इस टाइप से ही मिल जाएगी, प्रिंट वगैरह सब कुछ परफेक्ट है। बट इस साड़ी के साथ में क्या हो गया, मैं जो कलर मंगाई थी ना गाइस, वो कलर नहीं आया है। मैं जो ऑर्डर की थी ना, उसका मैं कैटलॉग आपको साइड में लगा दूंगी। कितना प्यारा सा वो थोड़ा सा वो होता है ना, टील ब्लू जो बोलते हैं, तो उस टाइप का कलर मैंने ऑर्डर किया था। बट ये ना एकदम नेवी ब्लू टाइप का, नेवी ब्लू बोल सकते हैं, ना एकदम ब्लैक है ना नेवी ब्लू है, थोड़ा अजीब टाइप का ही कलर है, बट वो कलर नहीं है। तो मैं ना इसे एक्सचेंज करने वाली हूँ, और रेड कलर इसमें को ऑर्डर करनी, या तो रेड या तो पिंक, दोनों में से कोई एक कलर में इसे एक्सचेंज करके ऑर्डर करने वाली हूँ। तो इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी लगी गाइज मुझे, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप इसे पूरा बना करके पहनेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा लुक आएगा। ये था आज का हॉल वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा कमेंट करना, ढेर सारा प्यार दिखाना, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं गाइस, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आप किसी चीज का रिव्यू वगैरह चाहते हैं, तो उसका भी कोड आपको आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिव्यू वगैरह शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो या गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो में, नेक्स्ट मीशो हॉल वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।